नाक के प्रति मेरे मन में जरा भी स्नेह मोह नहीं है सर। सर सारा कसूर इसका मेरी नाक का है सर, इसे सजा दीजिए सर प्लीज, इसको देश निकाला दे दीजिए, लेकिन इसके पीछे जो शरीर है ना उसको छोड़ दीजिए सर प्लीज सर, माफ कर दीजिए मुझे सर प्लीज सर। मुझे तुम्हारी नाक का कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मेरे पास ज्यादा जरूरी और बहुत से काम है, इसलिए मेरी सलाह मानो, उठो अपने घर जाओ और गर्म पानी से नहाओ या ठंडे पानी से नहाओ या कुछ भी करो, लेकिन दोबारा यहाँ पर आकर के ऐसी बेवकूफी मत करना। बार 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 सुबह से लेकर शाम तक यही सुनता रहा हूँ मैं, बार 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 बार। भगवान आपका भला करे सर, आपकी पत्नी का भला करे, बाल बच्चों का भला करे सर। सर आपका हर दिन सुहाना बीते, हर रात दिन से भी ज्यादा सुहानी की सर। इतनी खुशी मिल गई टीचर लोगों को कि बताना मुश्किल। आपकी खिड़की पर हर सुबह कोयल कूके सर, आपकी कॉफी हमेशा खुशबूदार और गर्म रहे, जैसे सीने पर रखा कोई पहाड़ हट गया हो। आपकी इस कुर्सी को प्रणाम जिस पर आप बैठते हैं, आपकी उस वर्दी को भी प्रणाम जो आपको समेट कर यहाँ बैठती है। हर लौटते वक्त दीवान के पैर हमारे खुशी के जमीन पर नहीं पड़ रहे, जीवन फिर कितना सुंदर हो गया, गीत संगीत और आनंद से भरा हुआ जैसे कि स्वर्ग। लेकिन फिर भी मेरे साथ किसी तरह का क्रूर मजाक किया गया क्या? क्या जनरल जानबूझकर उसका उल्लू बना रहा है? अगर कोई सजा नहीं देना चाहते थे तो इतना तड़पा दे रहे हैं मुझे। अगर ठीक वाकई एक मामूली सी चीज थी तो सोने को नहीं देना जनरल बेचारे को। पूरी रात इसी तरह गुजरेगी चक्कर काटते हुए। ये बर्दाश्त के बाहर था, अब दीवान को गुस्सा आने लगा। मुझे गुस्सा आ रहा और इसी गुस्से में चलते भूलते तड़पते रात गुजरी और सवेरा हुआ और उसने अपनी बीवी को पुकारा, सोनिया। क्या हुआ इवान? मेरा अपमान किया गया सोनिया। तुम्हारा अपमान कौन करेगा इवान? तुम इतने भले और अच्छे इंसान हो। लेकिन किया जानती हो किससे? वन मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी जनरल ब्राकी लोग ने। कैसे, क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? काला कुत्ता, वो जितना चालाक है ना उतना बेरहम भी। उसने इतनी चालाकी और बारीकी से मेरा अपमान किया कि किसी की पकड़ नहीं रहा। उसने ऐसी सिकड़म बढ़ाई कि मैं उसके दफ्तर में जाऊं और भिखारियों की तरह घिसकर भीख मांगूं और गिड़गिड़ाऊं। नीचे घबराओ मत, अब मैं उससे बताऊंगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। अब समय आ गया कि सर्वहारा वर्ग अपनी आवाज उठाए। इस धरती पर वो क्रांति लानी होगी जहाँ सब बराबर होगी, किसी तरह होगी भेदभाव नहीं रह जाएगा, ना कोई छोटा बड़ा, ना अमीर गरीब, किसी भी राष्ट्र किसी भी धर्म किसी भी मजहब और किसी भी वर्ग के आदमी को यह अधिकार होगा कि वो अपने अफसरों पर